नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिचा और एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होती हूँ अपना कुछ वीडियो और कुछ चटपटी खबरों के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन ये लॉकडाउन ना फिल्मी सितारों के लिए नहीं है, क्योंकि वो घर पे भी बैठे बैठे ना कुछ ज़रूर करते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए अब हम बताते हैं कि किस फिल्म स्टार ने क्या करा। शुरू करते हैं सलमान खान से। सुपरस्टार सलमान खान, जिनको कि दिल का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ हार्ट कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा दान डोनेशन इन सब में बिलीव करते हैं, जो खुद अपनी बीइंग ह्यूमन की एक चैरिटी फंड चलाते हैं। उन्होंने 25,000 मजदूरों को दिहाड़ी, उनको उनका रहने के लिए, खाने के लिए उनको सपोर्ट किया है। अराउंड 40 करोड़ के आसपास उन्होंने वो सपोर्ट दिया है उन मज़दूरों को, जो फिल्मी वर्कर्स हैं, जो लॉकडाउन की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके रहने खाने का प्रबंध, उनको जिनको महीने के 15,000 रुपये मिलते थे, वो सब सलमान खान ने अपना बीड़ा उठाया है। उन्होंने वो सपोर्ट करने की ठानी है और वो सपोर्ट कर रहे हैं उन मज़दूरों को, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा काम है। ये मज़दूर हैं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज़। इनका काम रुक गया है क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में इस समय फिल्मी शूटिंग्स वगैरह सब कुछ बंद पड़ी है, तो इनकी दिहाड़ी, इनका जो रोज़मर्रा का जो खाने पीने की ज़रूरतें हैं वो नहीं हो पा रही हैं। तो सलमान ने ये बीड़ा उठाया और उन्होंने सपोर्ट करा है ऐसे वर्कर्स को, ऐसे मज़दूरों को। तो ये तो है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट खबर, जिसमें कि हमारे अपने सुपरस्टार ने इतना बड़ा दिल रखते हुए इतना अच्छा सपोर्ट किया है। दूसरी खबर है हमारी जरीन खान। जरीन खान जो हैं वो घर के काम कर रही हैं, जैसा कि हम सभी कर रहे हैं भाई, और झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि मेड नहीं आ रही है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, किसी को घर में आने की परमिशन नहीं है। तो हमारे सुपरस्टार्स जो हैं, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, वो भी बर्तन धो रहे हैं। तो जरीन खान ने उन्होंने अपने पूरे घर की सफाई करी, उन्होंने अपनी बालकनी साफ़ करी, झाड़ू पोछा मारा, तो उन्होंने वो वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर डाला है। ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, कटरीना कैफ है, बहुत हिना खान है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो कार्तिक आर्यन, जो अपने वीडियोस बना बना के इंस्टा पे पोस्ट करें और हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई वो एज अ सेलिब्रिटी जब इतना कर सकते हैं, तो भाई व्हाई नॉट अस, हम भी करेंगे। तो एक फ़न वीडियो है, एक एंटरटेनिंग वीडियो है, जिसमें वो अपना टाइम पास करते हुए एक मज़ेदार सा वीडियो बनाते हैं और इंस्टा पे पोस्ट करते हैं और अपना प्रमोशन करते हैं। तीसरी न्यूज़ है, आलिया भट्ट ने, करीना कपूर ने, सैफ अली खान ने ये बोला है लोगों को, उन्होंने चैरिटी दी है पीएम फंड में, उन्होंने यूनिसेफ को सपोर्ट करा है, उन्होंने गिव इंडिया को सपोर्ट करा है, उन्होंने लोगों से ये अपील करी है कि आप भी आइए खुल के सामने, आप भी अपना सपोर्ट करिए, ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आजकल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज, आप लोग जो हमें सुन रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं 100 रुपये 1,000 रुपये जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कीजिए। ये स्टार्स आपको लगातार अपने तरीक़ों से मोटिवेट करके आपको ज़रूर बताते हैं कि हमने कितना कहाँ पर डोनेशन दिया। फिर आते हैं हम महाभारत और रामायण पे। जैसा कि हमको सबको पता है कि अभी दूरदर्शन पे रामायण और महाभारत के एपिसोड्स चलाए जा रहे हैं। महाभारत 1988 से 1990 तक महाभारत का एपिसोड दिखाया गया था दूरदर्शन पे। उसके सभी राइट्स पेन इंडिया ने के CMD जयंती लाल गाढ़ा के पास थे, उनके पास दूरदर्शन फिर से आया, उन्होंने सपोर्ट किया दूरदर्शन को, उन्होंने वो सारे राइट्स फिर से दूरदर्शन को दिए। अब दूरदर्शन फिर से हमें वो महाभारत का एपिसोड, B.R. चोपड़ा जी ने जो महाभारत बनाई थी, जो हमने 1988 में देखी थी, वो महाभारत फिर से 2020 में फिर से दिखाई जा रही है। तो और ना सिर्फ उन्होंने ये काम किया है जयंतीलाल गाढ़ा, पेन इंडिया ने अपना एक YouTube चैनल बनाया है, जिसको कि हम पेन भक्ति के नाम से जानते हैं। पेन भक्ति में वो सारे सीरीज़, सारे एपिसोड्स फिर से दिखाए जाएंगे। तो ये उन पेरेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जिन जिनके बच्चों ने ये सीरीज़ नहीं देखी, या जो दूरदर्शन पे अभी आज की डेट में वो नहीं देख पा रहे हैं, YouTube पे सारे एपिसोड्स अवेलेबल हैं, वो उनको दिखा के, वो माइथोलॉजिकल सीरीज़ दिखा करके उनका ज्ञान वर्धन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये महाभारत हमारे टाइम पे कैसी आया करती थी, हम कितने क्यूरियस होकर उसको देखा करते थे। और सही बताऊँ तो आज भी जब हम वो महाभारत और रामायण देखते हैं, तो वैसे ही फीलिंग आती है, वही बचपन याद आता है, वही नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स याद आते हैं। तो ये थी हमारी आज की कुछ खबरें गाइस, हमें और बताइए जानने के लिए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं सिनेस्पीक से। सो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।